इधर इनेलो की आज चंडीगढ़ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें नगर निगम चुनाव समेत जन अधिकार यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बैठक के बाद अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की नई बनी पार्टी को लेकर दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दुष्यंत और राजकुमार सैनी को एक ही ताली का चट्टाबट्टा बताया। जींद में एक तरफ जहां दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में अभय चौटाला इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ले रहे थे। हालांकि बैठक का एजेंडा नगर निगम चुनाव बताया गया, लेकिन जानकारों की माने तो बैठक में नजर केवल इस बात पर ही टिकी थी कि आखिर कौन बैठक में मौजूद है और कौन नहीं। अभय चौटाला का ध्यान जहां बैठक में था, तो वहीं जींद में चल रही नई सियासत पर ही टिका था। बैठक के बाद अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दरअसल अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला नई पार्टी की योजना 2007 से ही बनाते आ रहे थे, जो अब जाकर सामने आई है। इन्होंने तो बहुत पहले बना ली थी, आज तो केवल घोषणा करी है। आपने देखा नहीं, इन्होंने 2007 के अंदर जननायक सेवा दल के नाम से भी एक अलग अपना संगठन बना रखा था। 2006 या 7 में इनसो के नाम का भी एक अलग संगठन बना रखा था। ये तो उस दिन आपको पता लगा जिस दिन इन दोनों को चौटाला साहब ने सस्पेंड कर दिया और इनसो को भंग कर दिया। तब इन्होंने नहीं बता दिया था खुल करके कि भी आप इनसो को भंग नहीं कर सकते, इनसो तो हमारा अलग संगठन है। तो ये तो कोई आज से थोड़ा ही अलग संगठन चला रहे थे, आज से थोड़ी कोई अलग पार्टी बना रहे थे, ये तो 2007 से लगे हुए थे। वहीं अभय चौटाला ने यहाँ ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद दुष्यंत और दिग्विजय में भी बिखराव शुरू हो जाएगा। वहीं अभय चौटाला ने यहाँ दुष्यंत की नई पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला चुनाव में अपनी जमानत भी बचा लें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाल रखे, उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अब तक? किस लिए आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम को अपने साथ जोड़ता है? जिस आदमी को पार्टी की मेंबरशिप से निकाल दिया जाए, उसको तो फिर इमीडिएटली अलग हट जाना चाहिए। उसको लोकसभा में लिख करके देना चाहिए कि मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सांसद नहीं हूं। सुन लो एक मिनट, वो लिख के दे ये बात, कहना नहीं कौन क्या कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में लिख करके दो, कल शाम को ही लोकसभा की मेंबरशिप से हाथ धोने पड़ेंगे। और भाभी कल ये लिख करके दो स्पीकर को कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं, इसलिए मेरी सीट जो है इनसे हटा करके दूसरी जगह दी जाए। इस दौरान अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की तुलना राजकुमार सैनी से करते हुए दुष्यंत चौटाला और राजकुमार सैनी को एक ही थाली का चट्टाबट्टा बताया। आप देखते नहीं, राजकुमार सैनी दुष्यंत में कोई फर्क नहीं है, दोनों आज की तारीख में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राजकुमार सैनी भी तो सारा दिन यही कहता है ना, मैंने न्यारी पार्टी बना ली, मुझे पार्टी से निकाल दो, मुझे मेंबरशिप से हटा दो। तू खुद क्यों नहीं छोड़ देता मेंबरशिप, खुद क्यों नहीं छोड़ देते तुम पार्टी है? जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत आ गई तो फिर जाओ छोड़ के दिखाओ है। बहरहाल चाचा भतीजों में शुरू हुआ पारिवारिक झगड़ा अब न केवल सियासी रूप ले चुका है, बल्कि अब ये एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह भी पेश आने लगे हैं, और आगे आगे अब ये लड़ाई और भी तेज होने की पूरी पूरी संभावना है। अनिल कुमार, कोटा।